हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्वरीज किचन। आज हम लोग दलिया की ब्रेड बनाएंगे। मैंने ये 250 ग्राम्स दलिया लिया है। ये आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। और मैं इसमें अभी एक कप दही मिला रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लूँगी। ढक के एक घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने इसे घी डाल के आटा लगा के ग्रीस करके आटा लगा दिया है, स्प्रिंकल किया था। मैंने इसे प्री हीट करने के लिए रखा है और अंदर एक स्टैंड भी रखा है। एक घंटा हो चुका है, आप देख सकते हो दलिया हमारा फूल चुका है और एकदम आटा टाइट हो गया है। अब मैं इसे एक मिक्सर में डाल रही हूँ। मैं इसमें एक टीस्पून शक्कर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। मैं इसमें 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप इसमें बटर, ऑयल कुछ भी डाल सकते हो। 1/4 कप दूध डाल रही हूँ, पीस लेती हूँ। चम्मच और डाल रही हूँ दूध, टोटल मैंने 1/2 कप डाला है। मैंने एकदम स्मूथ पेस्ट पीस लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच और दूध डाला है क्योंकि बहुत ही पेस्ट कड़क लग रही थी। आप देख सकते हो पेस्ट एकदम अच्छे से पीस के हो गई है। मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये आटा हमारा फूल जाए। देख सकते हो आटा हमारा एकदम फूल चुका है। यही टाइम पे मैं इसे मोल्ड में डाल दूंगी। मैं इसे टैप कर लेती हूँ और जो प्री हीट करने के लिए रखा था उसी में डाल के इसे 30 से 40 मिनट तक स्लो गैस पे पका लूंगी। आप ओवन में भी पका सकते हो 180 डिग्रीज पे। 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो ब्रेड हमारा फूल चुका है। मैं इसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल रही हूँ ताकि ब्रेड हमारा ड्राई ना हो और इसे अच्छे से पकने दूंगी। 40 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हो ब्रेड हमारा रेडी हो चुका है। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। 1 चम्मच घी लगा के ढक दूंगी।
आप देख सकते हो कितनी स्पॉन्जी और अच्छी ब्रेड बनी है। आप इसे सैंडविच या टोस्ट में भी यूज कर सकते हो। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।